नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। 28 अक्टूबर को करवा चौथ, जाने कैसे करें पूजा और व्रत। कार्तिक माह की कृष्ण चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन किया जाने वाला करक चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की कामना और अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। इस बार सुहागिने ये व्रत 28 अक्टूबर को मनाएंगी। इस व्रत में शिव पार्वती, गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस शुभ दिवस के उपलक्ष्य पर सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। पति पत्नी के आत्मिक रिश्ते और अटूट बंधन का प्रतीक ये करवा चौथ या करक चतुर्थी व्रत संबंधों में नई ताजगी एवं मिठास लाता है। करवा चौथ में सर्गी का काफी महत्व है। सर्गी सास की तरफ से अपनी बहू को दी जाने वाली आशीर्वाद रूपी अमूल्य भेंट होती है। परंपरा के तौर पर ये व्रत पर्व वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, परंतु उत्तर मध्य भारत में ये बहुत अधिक उत्साह और शौक से मनाया जाता है। भारत में ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसे बिल्कुल नहीं मनाया जाता। ये जरूर है कि इन क्षेत्रों में ज्येष्ठ में पड़ने वाले 3 दिन के वट सावित्री व्रत की अनिवार्यता होती है, जिसमें सुहागिन स्त्री के व्रत का वही उद्देश्य होता है जो करवा चौथ के व्रत का। भारतीय दर्शन की पौराणिक परंपरा के अनुसार ये पर्व उन स्त्री जातकों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जिनके वैवाहिक संबंध ठीक नहीं चल रहे या जिनके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक न रहता हो। यदि ऐसी स्त्रियां इस पर्व पर विधि विधान से उपवास करके पूजा अर्चना और कामना करती हैं, तो पति पत्नी के संबंधों में निश्चित रूप से मधुरता बढ़ेगी, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा तथा उनके वैवाहिक जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे और खुशहाली आएगी। कैसे होती है व्रत की शुरुआत? इस व्रत की शुरुआत प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही हो जाती है, जब सर्गी के रूप में सास अपनी बहू को विभिन्न खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र इत्यादि देती है। ये सर्गी सौभाग्य और समृद्धि का रूप होती है। सर्गी के रूप में खाने की वस्तुओं को जैसे फल, मिठाई आदि को व्रती महिलाएं व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व प्रातःकाल में तारों की छाव में ग्रहण कर लेती है। तत्पश्चात व्रत आरम्भ होता है। इस दिन स्त्रियां साज श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और पूजा के समय नए वस्त्र पहनती हैं। दोपहर में सभी सुहागिन स्त्रियां एक जगह एकत्रित होती हैं, शगुन के गीत आदि गाती हैं। इसके बाद शाम को कथा सुनने के बाद अपनी सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें करवा समेत अनेक उपहार भेंट में देती हैं। रात के वक्त चांद निकलने के बाद अनेक पकवानों से करवा चौथ की पूजा की जाती है तथा चांद को अर्घ देकर उसकी पूजा करते हैं। चंद्र दर्शन के बाद छलनी से आर पार पति का चेहरा देखकर पति के हाथों से पत्नी जल पीती है और अपने व्रत को पूर्ण करती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।